शहीद मेजर सतीश दहिया की मूर्ति अनावरण पर उनके पैतृक गांव बनिहाड़ी पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सांसद ने शहीद मेजर सतीश के परिवारजनों को हौसला देते हुए कहा कि उनका नाम हरियाणा ही नहीं देश के इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। हम सभी को मेजर अमित पर गर्व है और उनकी शहादत हरियाणा के युवाओं को फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री राव दान सिंह, कांग्रेस सेवा दल जिला प्रधान सतीश शर्मा, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर, इनेलो प्रवक्ता भीम भाई सहरावत सहित सैकड़ों गणमान्य लोग रहे। लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए सांसद ने कहा कि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, मगर सरकार का यह कर्तव्य होता है कि शहीद के परिवार के पुनर्वास में समय पर पूरी मदद करे। सांसद ने कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले विभिन्न बलों के सैनिकों के परिवार वालों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में भारी असमानता है और यह हर राज्य में अलग अलग है, इसलिए देश भर में इस संबंध में एक ठोस कानून की जरूरत है ताकि इस तरह की विसंगति को दूर किया जा सके। दीपेंद्र ने इस मामले की गंभीरता का उल्लेख करते हुए कहा कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो मुद्दा मीडिया के जरिए सुर्खियों में उछल जाता है उसमें शहीदों के परिवारों को तो मुआवजा कम या अधिक मिल जाता है, लेकिन जिनका जिक्र मीडिया में नहीं आता ऐसे अनेकों परिवार वर्षों तक मुआवजा राशि मिलने का इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने हरियाणा का हवाला देते हुए बताया कि उनके संज्ञान में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनको मुआवजा राशि मिलने में विलम्ब हो रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे प्रावधान और समानांतर देशव्यापी नीति बनाएं जिससे शहीदों के परिवारजनों को एक समान मुआवजा समय पर मिले और आश्रितों को पुनर्वास में सहकारी सहायता मिल सके। आपको बता दें कि मेजर सतीश दहिया का जन्म 22 सितंबर 1985 को नांगल चौधरी के बनिहाड़ी गांव में अंचल सिंह के घर पर हुआ था। राजस्थान से ग्रेजुएशन पूरी कर 2010 में सेना में भर्ती हुए थे और 14 फरवरी 2017 को आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर में देश के नाम शहीद हो गए थे। 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार मेजर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ये वीर मां भारती के लिए शहीद हो गया। इस मौके पे मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर सभी मेजर शहीद मेजर सतीश दहिया जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने जो अपनी एक सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है, इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर जो किया है, ऐसा जो उन्होंने जो शहादत दी है वो व्यर्थ ना जाए और उनकी इस कार्य से प्रेरणा मिलती रहेगी आने वाली पीढ़ियों को, हरियाणा में भी, पूरे देश में भी। हमें गर्व है अपने भाई को, दुख भी है हमारा भाई गया है उस बात का एक दुख भी है, मगर हमारे भाई पर हमें उतना ही गर्व भी है। परिवार को भगवान शक्ति दे और परिवार के साथ हम सारे पूरी तरीके के साथ हैं और जो भी कुछ परिवार के लिए हो सके सरकार के माध्यम से ज़्यादा होना चाहिए। उनकी जो वॉर विडो हैं उनके लिए जो भी हो, जो सुजाता जी हैं उनके लिए जो भी होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से सरकार करें। मैं हेड ऑफ सर्विस था जिसमें सतीश दहिया जी नौकरी करते हैं। उसमें आज के दिन बहुत दोबारा से गर्व महसूस होता है कि एक ऐसे ऑफिसर हमारी कोर में थे जिन्होंने राष्ट्र राइफल में होते हुए अपने खुद की सेफ्टी को बिना सोचते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन में काम किया, आर्मी का, देश का नाम।